जैसे ही मैं स्टेज पे जाता हूँ मुझे इतना सारा प्यार मिलता है, इतना शोर आता है, like girls were going crazy, like दर्शन। Sang Kariya, that was one of my original songs. I'm not shy. I take time to open up. दर्शन भाई, welcome to Chandigarh first of all. शुभ भाई, शुभ भाई, ठीक है? Okay, let me know कि भाई crowd आपका इंतजार कर रहा है. I'm sure कि आपने काफी performance दे दी है. How excited or nervous you are every time going on stage? I'm very excited and मैं बहुत ज़्यादा nervous भी होता हूँ. No matter if there are 50 people or 50,000 people, mm-hmm. I'm always nervous for a few seconds. It's just the fear of unknown. क्योंकि हमने इतना तैयारी की होती है, इतना sound check किया होता है, and it's just that you need some seconds to settle down on stage. तो मेरे लिए वो होता है, but जैसे ही मैं stage पे जाता हूँ, मुझे इतना सारा प्यार मिलता है, इतना शोर आता है, फिर मैं धीरे-धीरे comfortable. And talking about the प्यार, मैं जब यहाँ तक आ रहा था, तब भी मैं देख रहा था, like girls were going crazy, like दर्शन, is that वो कैसे handle करते हो, especially the female attention, like over the time आपने सीख लिया है कि आराम से रहना है, humble रहना है, or what? नहीं, मतलब जैसा हूँ वैसे ही, पहले से ऐसा ही हूँ मैं. In my nature, जैसे मैं पहले था वैसा ही हूँ, but हाँ, ये when I was young, it was मेरे लिए समझना बहुत difficult था. एकदम से मैं awkward हो जाता था. People start turning towards me. But अब मुझे now I can connect with them. तो दर्शन real life में कैसा, like shy है या फिर कैसा है? I am not shy. I take time to open up. अगर मतलब मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, मेरे close मतलब close जो दोस्त हैं उनके सामने मैं बहुत खुला हूँ. तो I take a little time to open up. But एक बार मैं खुल गया तो फिर चलो ट्राई करते हैं कि इस इंटरव्यू थोड़ा सा खोल ले आपको, ठीक है, आराम से, ठीक है. अच्छा, आपकी स्टोरी हमने पढ़ी थी दैट यू वर एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज में तो आ रखे हम, तो उसकी बात करना चाहूंगा. ऐसे क्या क्या सीन किए थे आपने कॉलेज में कि टीचर्स ने बोला कि भाई अब तेरा हो गया, अब तो चले जा, कोई एक अदा किस्सा जो आपने किया? ये स्टैंडर्ड से इंजीनियरिंग तक कैसे पहुंचा, हाँ, ये मुझे पता ही नहीं. इस स्टैंडर्ड के बाद मेरे को कुछ याद नहीं है. आस पास के सहारे से मैं हर स्टैंडर्ड क्रॉस करता गया, एंड देखते ही देखते, क्योंकि दोस्त सारे जो थे वो सब इंजीनियरिंग में जा रहे थे, इंजीनियर बनना कूल था. आई गेस आपके फादर भी चाहते हैं इंजीनियरिंग करें आप? मेरे फादर चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं. ओह, तो मैं पहुंच गया, बट इट वाज नेवर माय थिंग. ओके, एंड विद माय फ्रेंड्स आई वाज, मतलब बहुत अमेजिंग जर्नी रही है मेरी स्कूल और कॉलेजेस में. स्कूल कॉलेज मोस्टली, और कॉलेज भी दो, मतलब स्कूल्स भी बहुत सारी रही. स्कूल से भी मुझे बहुत निकाला है, और कॉलेज भी. आई वाज इन इंजीनियरिंग, देन आई वाज थ्रोन आउट ऑफ the college, and फिर मैं performing arts कर रहा था थोड़ी time career. So हाँ, काफी naughty I was there, but I was always looking for audiences. ये मुझे realize होता है. Okay. कि college या school में भी जब performances होते थे, वो मुझे बड़ा exciting लगता था. तो मैं हमेशा कोशिश करता था. I started with singing पीछे पूरे group में, backing vocals में करता था. फिर धीरे-धीरे college में, जब college test होता था, तो जो मेरे senior, I still remember a story कि मेरा एक जो दोस्त है चिराग, तो कॉलेज का किसी ने मुझे बताया कि वहां पर यार वो कॉलेज टेस्ट का वो चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है, तो तू देख शायद खत्म हो गया. वहां जब तक पहुंचा तो पूरा वो फेस्ट खत्म हो चुका है, फेस्ट नहीं, उसका ऑडिशन खत्म हो चुका था. ओके, देन आई रिक्वेस्टेड दिस गाय हु वाज वन ऑफ माय सीनियर, चिराग, आई टोल्ड केयर प्लीज मुझे, मेरे को करने का ही है. तो उसने कहा खत्म हो गया, तुम लेट आ गए, जैसे थोड़ी ना तुम आगे बढ़ोगे, लेट पहुंचोगे. तो मैंने बोला एक चांस, बोले ठीक है कुछ गा के सुना. देन आई sang Kari Yaad, that was one of my original songs उस वक्त. Okay. तो मैंने गाया, and he said के इसको तो डालना ही पड़ेगा. Then I performed that song for the first time in the college. वहाँ पर पहली बार लोगों ने वो गाना सुना, and being my original song, मतलब ऐसा था नहीं कि उस वक्त YouTube पे रिलीज करें या कहीं रिलीज करें. Okay. But people loved it so much. और वो धीरे धीरे मेरा confidence बहुत build up होता गया. Then I started performing in inter college events, competitions, और local Ahmedabad थी, वो सारी चीज धीरे 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 एड ऑन होती गई. एंड व्हेन फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन इंडियाज ऑलस्टार, मुझे पूरे कंट्री का प्लेटफॉर्म मिल गया. राइट, सो आई फील वो सब चीजों ने मुझे तैयार किया. दिस मस्ट बी अ नॉस्टैल्जिया फॉर यू, कॉलेज में आके परफॉर्म करना, फिर से वो सब यादें, एक फेस्ट हो रहा है उसमें मैं आ रहा हूँ. हाउ डज इट फील, लाइक वो, इट फील्स अमेजिंग, बिकॉज मैं जानता हूँ कि कितने ही, मतलब बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं. Exactly. थे वो पूरा दिन बाहर रहना, तैयारी करना, आज ये करेंगे, इसके बाद यहाँ खाने जाएंगे, वो करेंगे. सो आई नो द फीलिंग हाउ दे फील. या ओके, सो 2014 अबाउट दैट रियलिटी शो, उसके बाद आपने लाइक सिंगिंग में आ गए आप लोग, है ना, आपको अच्छे से गाने भी मिले. लेकिन कई सिंगर्स होते हैं जो रियलिटी शो करते हैं और जीत भी जाते हैं, बट दे डोंट सी द लाइट, है ना. ऐसा क्या होता है कि आपको करना पड़ता है, उसके बाद ग्राइंड करना पड़ता है या कनेक्शन बनाने पड़ते हैं? हाउ डज इट वर्क?
I feel it is about, मतलब लोगों ने बहुत तो ये कहा है कि यार reality show के बाद काफी singers ने they couldn't make it. Yeah. So reality show is not a career. मतलब for example, वो एक platform है कि आप लोगों तक पहुंचे. And being the life is so fast today कि लोग बहुत जल्दी चीजें या किसी इंसान को बोल जाते हैं. So if a person constantly makes an effort to make music. जैसे मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रगल और जो जर्नी उस वक्त थी वो आज भी वैसी की वैसी है टू मेक बेटर म्यूजिक. तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे लोग मतलब रियलिटी शो के बाद भूल जाएंगे. या मेरा उस वक्त भी ये था कि अब रियलिटी शो खत्म हो गया, अब मैं म्यूजिक क्या करूंगा, तो मुझे और मेरा इंडिपेंडेंट म्यूजिक करना है. सो अगर एक आर्टिस्ट ये कोशिश करता है कि मैं, क्योंकि बींग अ सिंगर पीपल कनेक्ट विद द सॉन्ग्स एंड ऑफकोर्स विथ यू एज वेल, बट अगर उनको गाने ही नहीं सुनने मिलेंगे, यू आर नॉट पुटिंग, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा और मैं कहूंगा कि मुझे कुछ मेरे साथ हुआ नहीं, afterwards the world didn't give me a chance. So that is, I feel, which is wrong. एक artist अगर if he keeps grinding, he keeps hustling, तो वो लोगों का प्यार मिलेगा उसको. So I feel के लोग constant music नहीं करते. Okay. तो like all the people जो आप भी जानते होंगे या जो उस वक्त famous होंगे, उनका कौन सा recent गाना आपने. आर्टिस्ट अपनी धुन में होता है, उसको पैसों से उतना पड़ी नहीं होती है, बट जरूरत तो होती है. राइट. तो उसके लिए उसकी अलग टीम होनी चाहिए जो जिसपे वो टीम उस पर ही मेहनत करे. Okay. I've seen a lot of artists जिनके family members they come in, वो handle करने लगते हैं कि बेटा तुम यही करो, तुम music में ध्यान दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे. Right. So I'm fortunate to have such a management जो मेरी family जैसा ही है, जो वो सब कुछ संभालता है. पैसों का department वो है, मेरा काम है कि stage पर जाना है, गाना है, and in studio I have to make songs. ठीक है. And as an artist, जो मेरी नजर में है कि दो तरीके बंदे होते हैं, एक होता है overthinker, एक होता है बड़े शांत किस्म का. What kind of artist you are? मुझे है ना, I will say I'm not an overthinker, but I'm, मुझे रात को नींद नहीं आती. मतलब अगर मैं गाना बनाने गया हूँ, कुछ नहीं बनता है, तो all the time there is music in my head. मतलब अभी जैसे मैं साउंड चेक में भी था, तो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा है कि उस गाने के अंदर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इस गाने को मैं बेहतर कैसे बनाऊँ. तो एंड इट्स वेरी शॉकिंग, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे कहा था कि ये तो तुम्हारा हॉबी है, एक दो महीने बाद तुमको मतलब ये सब भूल जाओगे तुम. But it's been so many years, it's been 12-13 years now, या ज़्यादा पता नहीं, गिनना भी छोड़ दिया मैंने. I feel the passion is still alive. मतलब वो आग मुझे आज भी सोने नहीं देती. मतलब मैं 3-3 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नींद से उठ के मेलोडीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ. It's just beautiful. That passion is keeping you alive and yeah, all. Yeah. तो वो जो passion है, वो 20 साल का अगर दर्शन को कुछ advice देनी हो अभी, जो struggle कर रहा था, college से जा रहा था, expel हो रहा था, उसको क्या advice दोगे? Yeah, I don't want to give any advice to the दर्शन, because उसने जो जो चीजें की हैं, चाहे अच्छी की हैं या गलतियां की हैं, उसके वजह से आज ये दर्शन यहाँ पर है. सो शायद अगर मैं उसको कुछ एडवाइस दे दूं या उसको स्मार्ट बना दूं और वो चीज वो गलती नहीं करेगा, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुंचूंगा. सो आई एम वेरी हैप्पी विथ द दर्शन. ही हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी. और द बेस्ट थिंग अबाउट माई जर्नी इज दैट आई हैव एंजॉयड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई जर्नी. मतलब मुझे म्यूजिक करना था, फेमस नहीं होना था, वो सारे बाई प्रोडक्ट है, पैसा कमाना सब बाई प्रोडक्ट है. मुझे ये था कि माई म्यूजिक शुड, किसी की जिंदगी में मेरे म्यूजिक की अहमियत होनी चाहिए. राइट राइट राइट. और मैं आई रिमेम्बर के 3rd, 4th, या 5th स्टैंडर्ड में जब पूछा गया था, तो तब मैंने कुछ लिखा था कि आई वॉन्ट टू मेक सॉन्ग्स जो लोगों को हंसाए, रुलाए, एंड टू मेक सच सॉन्ग्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी टूडे कि मेरे गाने आज लड़के आते कि आपका वो वाला गाना यार मैं आज पूरी रात सुनता हूँ, या क्या सैड सॉन्ग आपने बनाया, मेरी कहानी आपने बोल दी, या इफ वी टॉक अबाउट सम रोमांटिक सॉन्ग, माई गर्लफ्रेंड लव्स दैट सॉन्ग, या लड़की आती कि मेरे को गाना बहुत अच्छा लगता है. सो कहीं ना कहीं नॉट बिग, बट मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो कर रहा हूँ, तो वो मुझे खुश करता है. एंड जब भी हम स्टेज पे देखते हैं, कई सिंगर्स होते हैं ना, वो इम्प्रोवाइज करते हैं. जी, डू यू आल्सो डू दैट? कि मतलब वो शायद
आपकी सिंगिंग को एज अ सिंगर यू आप इम्प्रूव करते हो? यू थिंक दैट? हमारी कोशिश यही रहती है, ऑफ कोर्स द सेट लिस्ट एंड ऑल द सॉन्ग्स वी हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, हमने बहुत रिहर्स किया, बट अगेन दिस इज अ वेरी मैजिकल थिंग दैट वी डू ऑन स्टेज. हर बंदा अपना परफॉर्म कर रहा है एंड वी ऑल आर इन सिंक. समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप जस्ट यू जस्ट कनेक्ट उस गाने के साथ, आप भी कहीं खो जाते हो. जैसे एक लिस्टनर नीचे सुन रहा है और वो कहीं अपनी कहानी में गुम हो जाता है, वैसे जो कलाकार स्टेज पर हैं वो भी कभी कभी खो जाते हैं उन कहानी के साथ. इट्स वेरी इमोशनल, चलने लग जाता है वो स्टोरी के साथ, रिलेट हो जाता है वो गाना. Yeah, and see, it's so amazing when I sing Pehli Mohabbat, जो मैंने कॉलेज में बनाया था, and then when people who are in college, जिनको शायद पैशन है यार कि मुझे भी म्यूजिक करना है, या जिनको किसी लड़की से पहली मोहब्बत है पर कभी बोल नहीं पाए, तो वो जैसे कनेक्ट करते हैं, इट्स सो स्पेशल फॉर मी. आई गो ऑन स्टेज और मैं भी गाता हूँ, एंड आई सी द फेसेस, उनकी आंखों में वो दिखता है हाउ मच दे कनेक्ट विद द सॉन्ग. सो ये सारी ऑन स्टेज कहानियां है. सो हाँ, कभी कभी हम कुछ अलग कर देते हैं, या जो रूटीन नहीं होता, समटाइम्स गलतियां गलती भी हो जाती है. यार ये तो नहीं था, कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होगा, कभी कभी वो गलती भी हो जाती है, एंड वी जस्ट लाफ ऑन स्टेज. इट्स ओके, आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ परफॉर्मेंस, वरना स्टूडियो में तुम गाते ही. एंड आई गेस इन द एंड जस्ट वांट टू आस्क यू, आई गेस आपके फैंस की ब्लू फैमिली है? या इट्स ब्लू फैमिली. कुछ मैसेज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं आपको. या मैं जानता हूं, एंड एक्चुअली दे आर लाइक माय फैमिली, एंड आई वुड जस्ट वांट टू सेंड देम ऑल द लव, एंड be patient, and I just want to say that amazing music is on way. Main kaafi waqt se I'm just working and trying to make amazing songs for them. Meri sabse pehle source of inspiration mere fans rehte hain, kyunki wo din raat mera music sunte hain, and they just fight for me. Puri duniya ek taraf mere liye wo lad jate hain, and they just, so I'm very excited. Cool. Abhi tak is saal mein mera officially kuch release nahi hua hai. So I know they are even very excited. So let's hope and let's do it.